सो हाय गाइस, मैं उदास और आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने आ रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस जल्दी से प्ले करते हैं। और गाइस मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो मैंने ना एक वर्ल्ड जो वर्ल्ड है ये पुराने वाला वर्ल्ड है, इसलिए ये भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने वर्ल्ड को। मेरा मतलब मेरे तो वर्ल्ड का नाम ही वर्ल्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा। हम शुरू करते हैं किसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा खाली कर दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस वो सारा मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो मैं क्या उठाऊँ यहाँ से, यहाँ पे तो जो पुराना सामान था वही रख दिया, यहाँ का भर गया था। तो गाइस मेरे पास थोड़ी सी लीड है, मैंने बकेट भी बना ली थी पिछले वीडियो से, ये स्ट्रिंग है और मेरे पास मतलब सारा फालतू का सामान है। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फार्मिंग। तो गाइस फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरत है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो मुझे पता है भाई बहुत सारी लीच मिली थी, तो जल्दी से मैं बनाता हूँ स्टिक्स और उससे बनेंगी फेंस। फेंस तो गाइस मेरे पास पहले से बहुत सारी है। और कहाँ है, अरे उस दिन मैंने बनाई तो थी, पता नहीं कहाँ है। फेंस ये रही, चार ही फेंस है। अरे तो दूसरी है, अच्छा। तो गाइस अब मुझे गेट भी बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं थोड़ी सी ओक वुड लेता हूँ और थोड़ी सी स्टिक्स लेता हूँ, स्टिक्स, और मुझे बनाना है गेट। चलो इतना काफ़ी है। तो स्ट्रिंग का क्या काम होता है वैसे। ओ ये क्या है, अभी कैसा उभरा उभरा सा है। देखो मैं तो बस ऐसे उठा लेता, इसे क्या ही है। अब लगता है कोई ना ब्लॉक लेते हैं, ये वाला ब्लॉक लेते हैं, क्या नाम है इसका, स्प्रूस लॉक। अबे यार अब इतना टाइम लगाएगा, पता नहीं कैसा पे अच्छी लाइन। तो गाइस मुझे ना कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि ये तो स्ट्रिंग होती है, इसका काम क्या होता है। तो जल्दी से मैं इसे निकाल लेता हूँ, और ये तो निकल गई, तो मैं इसे यहाँ पर रख दूँ। ये तो स्पाइडर से मिलती है ना, जो भी है छोड़ो हम अपना शुरू करते हैं। तो गाइस मानो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया खाली कर दिया है। तो गाइस जल्दी से, अरे इतनी सी है मेरे पास, अच्छा ये भी पा गई। तो गाइस जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी फार्मिंग। फार्मिंग से पहले सबसे पहले मैं एरिया देखता हूँ मुझे कितने एरिया में बनानी चाहिए वो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ जहाँ से हम आते हुए जाएंगे वहाँ से गेट होगा, यहाँ पे गेट होगा। वैसे भी एक गेट एक्स्ट्रा बना लिया था, और ये बाकी सारा पूरा फार्मिंग का ही लगा होगा। तो गाइस मुझे ना लग रहा है कि बहुत कम वो है हमारे पास। तो गाइस मैंने पहले यहाँ से कर लेता हूँ, वरना एक दो वो आगे पीछे हो गया तो तोड़ने में भी टाइम लगेगा। मैंने अपनी वो भी ले आता हूँ, क्या कहते हैं एक्स सोन एक्स या कुछ, मैंने बनाई नहीं थी सोन एक्स। हाँ मैंने सोन एक्स नहीं बनाई। तो गाइस मैंने सोन एक्स भी बना लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब ये मैं पूरा कर रहा था ना, मुझे बहुत सारी वो मिली थी कॉबल स्टोन और वो क्या कहते हैं डॉल। तो जल्दी से मैं ये सारा लगा देता हूँ। तो क्या गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा हटा दिया, और यहाँ से भी मैंने हटा दिया, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि भाई फार्म ऐसे थोड़ी ना बन सकता है। तो जल्दी से मैं बहुत सारी स्टिक्स लेने वाला हूँ, स्टिक्स मेरे पास बस इतनी है, और ओक वुड शायद इनसे जितनी भी वो बनेंगी ना मैं अपने उठा लूँगा। और देखता हूँ मेरे पास और है, ओक वुड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हो भाई, ये तो मैंने सोचा नहीं था इतनी सारी होंगी मेरे पास। तो जल्दी से पहले मैं स्टिक्स बना लेता हूँ, स्टिक्स की भी बहुत कमी पड़ रही है, और मुझे ओक वुड भी चाहिए। ओक वुड, अरे कहाँ है भाई, अरे ओक वुड मैंने उठा लिया जब भी नहीं आ रहा। अच्छा ओक वुड तो मुझे बनानी है, जितनी बन सकती है मैं उतनी बना लेता हूँ।
तो मैं एक फ्रेंड्स ये मिल गई है मुझे। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही बन गई। बस 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 अब रात भी हो रही है तो जल्दी से सो जाते हैं। अबे हाँ यार मैंने एक लामा को पकड़ा था तो लामा के बारे में भूल ही गया, उसके लिए मैंने लीड भी ली थी। कहाँ गया अब ये लामा? तो वैसे आज ना हम एक चीज़ और करने वाले हैं जो कि है, ओए बोला मेरा लामा, जो कि है कि आज हमें एक रेड मारेंगे विलेज में। तो गाइस मैं ऐसे वैसे तो मारूंगा जब तक मुझे कोई बढ़िया सी वो ट्रैवल मतलब जिस पर बैठ के मैं जा सकूँ वो नहीं मिलेगा ना। अरे आया ही नहीं क्या ये? ओ भाई इसके पीछे तो इससे भी बढ़िया है। तू मर 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 मर, मर। चलो इसे लेके आओ भाई, ये सुंदर भी है थोड़ा। तो वैसे मैंने ना और यूट्यूब की वीडियोस में देखा है कि वो ना, ओए अभी क्या हो गया ये लीड का है मेरी बे भाई यार बे लीड कहाँ चली गई मेरी बे? भाग जा रहा है जल्दी से और लीड लेके आता हूँ। एक तो यार मेरा प्लेयर इतना धीरे चल रहा है, तेज चल रहे थोड़ा यार वो भाग जाएगा फिर। जल्दी चल रहे थोड़ा इतनी देर से पापा के पास ही था। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लीड की ज़रूरत है। अबे लीड यार मेरे पास लीड नहीं है क्या? वो ये रेत थी सारी तो पड़ी हुई है। आ जा अबे खुल। तो भाई इसका भी बहुत टेंशन है, कभी कार खुलता है कभी कार नहीं खुलता। तो जल्दी से अब मैं पकड़ूंगा अपने लामा को और लामा को ना मैं कहीं बांध लूँगा और बाद में उसे वो अपने फार्म के अंदर पालूँगा। अबे भाई कहाँ कहाँ से, मैंने कहा था ना इतने सारे लामा हैं यहाँ पे, इन पकड़ूंगा तो मैं सिर्फ एक को। तो भाई मुझे ना आपको एक चीज़ और बतानी थी, वो तो बार बार बैठ जाता था ना वो मुझे पता चल गया है वो क्यों ऐसा होता था। तो एक यहाँ का है यहाँ का है यहाँ का है यहाँ का है, इसके बीच वाले का मैं गलती से दो बार दबा दिया करता था इसलिए ऐसा होता था। और एक ये लामा पता नहीं बार बार कहाँ जा रहा है, और ये रही मेरी पुरानी वाली लीड। जल्दी से उसे पकड़ के लेके चलते हैं, इस बार तो मैं इसे देखते देखते चलूँगा। और इसे बार बार भाग जा रहा है, कंगे में लगा बार बार भागे जा रहा है। इसे देखो इसे पता नहीं क्या जल्दी मच रही है, ये इसका भाई भाई है क्या कुछ भाई बंधु? इसे देखो अच्छा एक बार ना टेस्ट करते हैं कि जहाँ भी ये जाता है वहाँ से सच में आता है, मतलब एक तरह से ये जो बंदा है ना इसे ऐसे से मतलब मैंने लीड बांध रखी है, मतलब ये तो वही बात हो गई एक तीर से दो निशाने हैं। छोड़ो जो भी है बे हाँ से हट बे, इसे यार मार देता हूँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है, खाली पीली परेशान कर रहा है ये भी बीच में आ रहा है। तो गाइस मैंने उसे मार दिया एपिक विग ना, बस एक बार मैं अपनी फेंस लगवा लूँ कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ से आ सकते हैं। मैं इसे भी बंद कर दूँगा ऐसे, यहाँ पे गेट लगेगा ना तो फिर मैं इसे वो नीचे कर दूँगा। अरे भाई लग जा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मजाक हो रहा है? नहीं भाई मजाक हो रहा है। गाइस जल्दी से मैं पूरे उसमें फेंस लगा देता हूँ। तो गाइस मैं फेंस लगाए रहता है, ये पता नहीं बारिश कहाँ से शुरू हो गई। एक तो ये मैं कोई भी काम करता ऐसे खड़े हो गए देखेगी, वैसे पता नहीं क्या हो गया कोई प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे हो जो भी है। थोड़ा हम लगाते हैं अपने मज़े से फूल। तो गाइस मैं ना आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो मेरी फैंस है वो ख़त्म हो गई है। आपको क्या लगा मैं वैसे ही बात बताऊँगा कि कोई क्रिएटिव मोड में मैं खेल रहा था? तो जल्दी से मैं और फैंस लेके आता हूँ और फैंस चाहिए मुझे। चल
यार मैंने 64 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेती हूँ जब भी कम पड़ गए। अब यार रात नहीं हो रही, क्या हो रही है? एक तो यार जब भी बारिश होती है पता नहीं चलता रात हो रही है सुबह हो रही है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो चलो जो भी यहाँ अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें। तो गाइस मैंने आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? हाँ यार मुझे इसका भी रास्ता बनाना पड़ेगा, मैंने बस एक ही गेट बनाया। अब यार अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? इसे तोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो गाइस खैर जो भी है मैं इसका भी कोई इंतज़ाम कर लूँगा। अब मैं ना जल्दी से 2 नहीं 4 गेट बनाने वाला हूँ। 6 8 1 2 अरे जितने भी बन गए काफ़ी है। तो एक तो यार पता नहीं जानवर पहले से क्यों आ रहे हैं। तो गाइस लेफ्ट और राइट, यहाँ का एरिया मैं रखूँगा फार्मिंग के लिए, नहीं यहाँ का एरिया फार्मिंग के लिए, यहाँ पे जानवर वानवर जो भी होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। तो जल्दी से हम अपनी शुरू करते हैं। अब मैं इतना तो बना लिया, मैं देख लेता हूँ कुछ रह रहा है तो। अबे यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है ये। तो मुझे अभी गेट लगाने हैं फिलहाल, तो अपने गेट में इधर से लगाऊंगा इधर। अबे मैंने गेट लगाया था तो वो ये है गेट, मैंने गलती से और फेंस लगा दी, छोड़ो। फिर से मैं गेट लगा देता हूँ, एक गेट लगा यहाँ पे, एक गेट लगा देता हूँ यहाँ पे। कांगा गेट ये रहा। अबे आज ये पता नहीं बार बार गलत गलत क्यों लग जाता है। तो क्या गाइस जल्दी से मैं सभी काट देता हूँ। तो गाइस आज हम चलेंगे एक विलेज को रेड करने। तो पहले मैं विलेज को रेड करने के लिए सारा जो भी सामान है, मतलब जो भी जर्नी में हमारी वो होगा वो मैं उठा लेता हूँ। ये क्या है? एक तो एक तलवार तो मैं लेके चलूँगा ही चलूँगा, तो फालतू का सामान इधर रख देता हूँ। मेरे पास तो वैसे सारा ही फालतू का सामान है, हमारे पिकेक्स में भी ताकत नहीं, वैसे इसमें ज़रूरत ही क्या। एक तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो गाइस जल्दी से मैं चलता हूँ किसी विलेज को रेड करने के लिए। लेकिन यार विलेज को रेड में कहाँ जाऊँ, मतलब क्योंकि जगह भी तो पता चलनी चाहिए कि कहाँ पे रेड करूँगा मैं। तो गाइस अब मेरे पास एक आइडिया है, मैं 3 तक गिनती गाऊँगा। जैसे मैं तीसरा नंबर गाऊँगा ना, ये जो लामा जहाँ पे देखेगा मैं उसी डायरेक्शन में गाऊँगा, और अगर मुझे नहीं मिला मैं इस लामा को मार दूँगा, और अगर मिल गया तो हम इसके लिए बहुत बड़ा सा घर बनाएंगे, अब फुल इसी खातिरदारी करेंगे। और मुझे ये भी बताना कमेंट में कि ये खाता क्या है, जो भी है 1 2 3। तो गाइस ये इस तरफ इशारा कर रहा है। तो गाइस मैंने उससे पहले एक बेड भी ले जाता हूँ कि अगर मुझे कभी रात हो गई ज़ॉम्बी आने लगे। तो रात ही हो रही है क्या? छोड़ो एक तो ये पता नहीं रात हो रही है सुबह हो रही है। तो गाइस सुबह भी हो चुकी है और ये मुझे कोई मार रहा है क्या? नहीं आजा आजा आके दिखा दे तू, मैं मान जाऊँगा। तो गाइस जैसे कि आप देखा था कि आपने नहीं, मतलब जैसे कि आपने देखा था कि लामा इस तरफ इशारा कर रहा था, तो मैं इस तरफ जाऊँगा। ओ भाई ये कौन है, विलेजर है कौन है? अभी क्या फेंक रहा है ये? एक मारूँगा नीचे गिरा पड़ा मिलेगा। ओ भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, अरे क्या कर रहे हो भाई, मत मारो, अरे ये तो पीछे ही पड़ गया, छोड़ दे भाई मैं नया हूँ उस गेम में, छोड़ दे। तो बस फाइनली इसने मुझे छोड़ा है, और ये मेरे पता नहीं पास क्यों आया जा रहा है,
भाई भागो इससे तो निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अबे भाई क्या फायदा दिया इसने। तो अगर मेरे पास क्रॉस बो होती ना मैं सच में इसका मुंह तोड़ देता। अबे भाई अंदर तो नहीं आ जाएगा तो चला गया। अबे यार यहीं पे है ये पागल सा टकला। अबे यार मारे जा रहा है क्या करूँ। नहीं 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 हम बच गया। ये स्लोनेस पॉइजन और ये क्या है ये पता नहीं यार क्या क्या इसने कर दिया मेरे साथ। मेरे पास क्रॉस बो होती है खाना है क्या मेरे पास। खाना तो मेरे पास कहते भी नहीं है ये मीट है लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगा। अभी मैं खा लेता हूँ ना मैं भी क्या करूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा मीट मटन इसके अंदर पक रहा है लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी मैं कैसे ना कैसे इससे छुटाऊँगा अपना पीछा। तो गाइस कैसे ना कैसे करके मैंने यहाँ से उसे छुप छुप के मारा है। तो यार मैंने अच्छा उसके मारते वक्त मेरी फिर इतनी सी हेल्थ हो गई। देखता हूँ उसे मारने से कुछ मिलता है कि नहीं। अभी लाल लाल क्या चमक रहा है ये क्या ये रेड स्टोन। अभी लाल कलर का कौन सा स्टोन आने लगा। चलो गाइस जो भी है मैं चलता हूँ अपनी जर्नी पे। भाई यहाँ पे भी अच्छा ये तो पता नहीं क्या है ठीक है। तो गाइस मुझे फाइनली एक विलेज मिल चुका है और मैं उसी डायरेक्शन में आया जहाँ पे मुझे लामा ने बोला था। मतलब यहाँ से मुझे सीधा जाना है फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। और गाइस ये पता नहीं क्या है ये पहला घर ऐसा होता है क्या विलेजर का घर। छोड़ो जो भी मैं अंदर गया। ओ भाई बेड भी है दो लो ले लेते हैं ले लेते हैं अपना घर सजेगा इससे। और के लिए हम इसके घर में फर्नेस की तो हमारे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। और क्या लें अभी विलेजर के घर में तो यार कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। छोड़ो जब भी देखते हैं ये तो पहला ही विलेजर का घर था। भाई लकड़ियों की तो इनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। चलो जल्दी से ये रहा दूसरा विलेजर का घर। और यहाँ पे फिर एक बेड मैं तो सारे बेड ले लूँगा क्योंकि तो बाद में काम आएंगे। अगर मैं किसी विलेजर को पालूँगा या ऐसे ही मज़े मज़े के लिए या शो ऑफ के लिए। और ये क्या है तो भाई ये क्या है ये थोड़ा जो भी उठा लेता हूँ मैं। यार मेरे पास सोनेक्स है जब भी इतने धीरे कट रहा है। जो भी है मैं उठा लेता हूँ ये अजीब सी शक्ल का क्या कहते हैं इसे स्प्रूस। अच्छा ये ट्रैप डोर है ट्रैप डोर तो मुझे पता है लेकिन बहुत अजीब सी शक्ल है इस ट्रैप डोर की। तो यार जल्दी से मैं नहा लेता हूँ। हाँ मज़ा आ गया नहा के। हाँ तो देखो तोली और मिल जाता हूँ। तो जो भी है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और मैं बैम्बू तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बैम्बू ना बाद में एन्चेंटमेंट टेबल के लिए काम आएगा। एन्चेंटेड बॉक्स मतलब इन सब के लिए। ओ यहाँ से एक और रास्ता है तो भाई मैंने तो देखा ही नहीं था। तो यहाँ से जाते हैं फिर एक बेड। ओ चस्ते 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 आलू। भाई आजकल के ज़माने में आलू ऑन खाता है। मैं तो उसे घर जाके आराम से फ्राई करके वैसे खाऊंगा क्या कहते हैं उसे फ्रेंच फ्राइज। चलो ओ अबे यार एक एचपी थी मेरी। अबे हाँ यार मैं सो गया था इसलिए जो मेरा पहला रीच पॉइंट था मैं वहाँ पे आ गया। तो जल्दी से मैं घर पे जाता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। और मैंने रास्ते में से कुछ लोगों का मतलब लोगों को मार के लोग नहीं जानवरों को मार के मैंने उनको खाना भी खा लिया था। सबसे पहले मैं जाता हूँ सोने। यार एक बैग कितना बेकार लग रहा है। अब यार कौन से मॉन्स्टर है एक तो यार। तो फिर मैं जल्दी से कहीं और जा के सोता हूँ। अब तो हमारे घर में एक भी बैग नहीं है। पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर आ गया हमारे घर पे किसकी बुरी नज़र डल ली है।
तो गाइस अगली सुबह भी हो चुकी है और अब फिर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं मरा था पिछली बार। ये गाइस एक बिल्कुल उसके जैसा घर आया है, तो मैंने वहाँ से फिर से बैल ले लिया। तो मैं कहाँ पे मरा था? हाँ, वहाँ पे मरा था। मैं घूम के आया हूँ पीछे वाले रास्ते से। एक तो बेड ही बेड, हर जगह बेड। तो गाइस बेड मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अपने घर को बढ़िया तरीके से सजा सकूँ। तो खैर जो भी है, तो ये क्या है भाई? ये कौन है? ये लीड है क्या मेरे पास? पता नहीं क्या था वो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये अजीब और गरीब से तो मैं जानवर देख रहा हूँ। ये कौन, ये क्या है? अच्छा, ये तो वही अपना ट्रैप डोर है। तो जल्दी से मैं चलता हूँ अगले विलेज पे रेप करने के लिए। और ये रहा हमारा जानवर दुश्मन। तो गाइस मैं फिर एक ऐसी जगह पे रिस्पॉन हो चुका हूँ और मुझे फिर अपने घर जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर मुझे विलेज जाना पड़ेगा, फिर मुझे सामान लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फिर से उसी जगह पे आ चुका हूँ और मैं अपना सारा सामान फिर से ले चुका हूँ, लेने वाला हूँ। क्योंकि गाइस उस बदसूरत उस पागल से टकले ने मुझे मार दिया। वो क्या नाम है उसका? क्रीपर। हाँ, क्रीपर, हमारा जानी दुश्मन। तो जल्दी से मैंने अपना सारा सामान फिर से उठा लिया। और इसे देखो, नहीं तू कहाँ मजे कर दिए हैं, ना भूल दे थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या है ये? अब यार इसका घर भी बिल्कुल बेकार है। आगे चलते हैं। ओए, यहाँ पे भी है क्या किसी का घर? ये क्या है? ओ भाई ये क्या है? पिकेट से तोड़ना सा। तो जो भी था वो हमें मिल गया है। क्या कहते हैं, बेल, घंटा है ये तो, घंटा। तो यहाँ से भी हम एक और बेल ले लेते हैं। मुझे ये सब ओ भाई इतने सारे एमरल्ड्स। वैसे मुझे पता तो नहीं है एमरल्ड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं देखने में तो ऐसा प्रीशियस सा लग रहा है, क्योंकि डायमंड भी ऐसा सा होता है ना, कि पंपकिन सीड्स पता नहीं क्या होता है। तो वह जो भी है हम इस घर में चलते हैं। यहाँ पे भी फिर एक बेड। जो भी है हमारे घर। यहाँ पे क्या? ओ भाई सैडल, फाइनली मुझे सैडल मिल गया। सैडल से गाइस पता है क्या होता है कि सैडल से ना हम किसी भी जानवर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो जितना भी अभी मेरे पास सामान है वो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और अभी हम सीधा चलने वाले हैं अपने घर के, मतलब यहाँ से सीधा। अभी ये क्या है? ये ऊपर क्या निकल रहा है ये ऊपर से? जल्दी से मैं ऊपर जाके देखता हूँ। धुआं धुआं से क्या निकल रहा है ये? अभी गाइस 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 यार इस बार मैं नहीं मरना चाहता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं माइनिंग करते करते यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब वही वाली माइनिंग में। और मैंने कैसे ना कैसे करके आप जानते नहीं उससे पीछे छुटाया। अब मैं चाहता हूँ फिर से ना आ जाए भाई वो गाइस, बस फिर से आ गया ना बस। एक तो गाइस मेरे पिकेक्स में हेल्थ नहीं है, मैं जल्दी से दूसरी पिकेक्स ले आता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया और मैं फिर टॉर्च लाना भी भूल गया। मैं फिर जाता हूँ टॉर्च लेने। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ टॉर्च लेने और फालतू के सामान मैं उधर रख देता हूँ। एक तो पता नहीं इनके पास पर्पल बेड ही क्यों होता है। थोड़ा जो भी है मैं जल्दी से फिर नीचे चल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ टॉर्च लेके। टॉर्च मैं अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और ये पहले से मारता हूँ। अबे ये क्या हो गया? थोड़ा लगता है वो कुछ सीढ़ियों में गलती हो गई। जैसे यहाँ पे भी टॉर्च लगाता हूँ। वो ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई ये तो कुछ तगड़ा ही मामला लग रहा है।
मैं जल्दी से नीचे आता हूँ। ओह यहाँ पे तो आयरन ओर की बारिश हो रही है। तो गाइस यहाँ पे भी मैं कभी, ये क्या है, अच्छा ये तो कोल है, यहाँ पे भी मैं कभी आऊँगा। अभी डायमंड भाई, मुझे डायमंड मिल गया, मुझे फिर चूहे की, अच्छा बैट है ये तो। गाइस मुझे फिर से वो मिल गए हैं डायमंड, तो जल्दी से मैं इस डायमंड को ले लेता हूँ। कहाँ गया? तो गाइस आए नहीं डायमंड मेरे पास, अभी क्या है ये? तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि डायमंड था ये मुझे क्यों नहीं मिला। तो गाइस ये सब बाद में, मैं इससे पहले जल्दी से जाऊँगा अपने आयरन टूल्स बनाने, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि ये सब आयरन टूल्स की वजह से, क्योंकि ना मैंने कहीं पे देखा था कि ये तो सारी चीज़ें होती हैं प्रीशियस चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आयरन टूल्स से ही इक्विप होती हैं। तो ऐसे अगर मैं आयरन टूल से करूँगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? मुझे तो लगा वो ऐसे कुछ होगा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो डायमंड है। आप मुझे कमेंट में बताना क्या वो सच में डायमंड था। थोड़ा जो भी है, मैं जल्दी से फिर से ऊपर आ चुका हूँ, अपना फालतू के सामान में फिर से यहीं पे रख देता हूँ। तो जो भी है, तो आज मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आखिर क्या ये ऐसा होता है कि हम डायमंड के बिना? तो ऐसा सीधी सी बात मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने डायमंड होते हैं तो हम उसे सोन पिकेक्स से नहीं ले सकते हैं? तो ऐसा भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे पास डायमंड था और मैं उसे नहीं ले पाया, मैं तो एक तरह से सदमे में पड़ गया। और जो भी अपना हम मज़े करते हैं, मज़े तो नहीं करते यार, इस पता नहीं मैं भी क्या बोले आ रहा हूँ। इसमें मैंने आयरन पका के रखा था, आयरन इंगॉट बन गए होंगे, पता नहीं अब वो आयरन इंगॉट भी मेरा मिल नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।